देखिए, अब सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में क्या होता है? द्रव्य शुद्धि मतलब वो चीज की शुद्धि जिस चीज को अपन को चलाना है, देना है। तो आहार में उपयोग आने वाली समस्त वस्तुओं की शुद्धि द्रव्य शुद्धि कहलाती है। जितनी भी वस्तुएं आप आहार में चलाने वाले हो, द्रव्य शुद्धि है। अब द्रव्य शुद्धि में भी चार प्रकार की शुद्धि होगी। क्या? पहली अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता शुद्धि। तो ये द्रव्य शुद्धि में आएगा सब कुछ। तो अन्न शुद्धि क्या है? खाद्य सामग्री सड़ी गली घुली ना हो, यथोचित धूप में सुखा करके धो करके और सुखाई गई हो, बिना धुले अन्न मसाले आदि का प्रयोग नहीं हो, गेहूं आदि को सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की, ये व्यर्थ है। नहीं तो घर में लगी इलेक्ट्रिक चक्की से ही पीसना, घर में लगी। एवं मर्यादित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये कहलाएगी अन्न की शुद्धि। फिर जल की शुद्धि। जल शुद्धि में दो बातें आती हैं, पहली तो जल को छानना और दूसरी जल में से निकले जीवों की रक्षार्थ जीवाणी यथास्थान पहुंचाना। तो जल छानना तो ये अक्सर हो जाता है, लेकिन जीवाणी के लिए ये थोड़े से कम हो जाता है, लेकिन दोनों यदि होते हैं तो प्योर हो जाएगा। जल छानने का कपड़ा दोहरा रहना चाहिए। जल छानने के पश्चात छन्ने को तुरंत ही सुखाना चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए उसको। बिलछानी डालो, जीवाणी डालो और निचोड़ करके सूखने डाल दो, क्योंकि अधिक देर गीला रहने पर उसमें जीवाणु बैक्टीरिया मतलब जीव उत्पत्ति हो जाएगी। जीवाणी करने में इतनी सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि जीवाणी को कुंदे वाली बाल्टी द्वारा धीरे धीरे कुएं में डालना चाहिए, छने पानी को तुरंत उबाल लेना चाहिए। तो जीवाणी डालने का वो सही सिस्टम और फिर छानो, तुरंत उबाल दो, जिससे कि वो मर्यादा बढ़ जाए। तो ये जल शुद्धि। फिर अग्नि शुद्धि। ईंधन देख शोध कर उपयोग करना चाहिए, ये पहले के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि चूल्हे को या लकड़ियों को जलाना है तो कई बार लकड़ियों में जीव बने रहते थे उनके अंदर, तो ये शोध करके उनको जलाना होता था। अब गैस है तो गैस को भी जब अपन जलाते हैं तो एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं कोई मकड़ी अकड़ी कीड़ा ईड़ा बर्नर पे तो नहीं है, नहीं तो झक से वो चला जाएगा वही। फिर चार कर्ता शुद्धि। अब कर्ता कौन? जो भोजन बना रहा है वो कर्ता कहलाएगा। तो भोजन बनाने वाला स्वस्थ हो, सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए, न तो खांसी जुकाम बुखार चढ़ा और बनाते जा रहे हैं तो भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा। नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहने हों, नाखून बड़े ना हों, इत्र नेल पॉलिश लिपस्टिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग उस समय नहीं होना चाहिए जिस समय भोजन बना रहे हैं। रेशमी साड़ी, काले रंग, ऊनी गीला कपड़ा, गंदा कपड़ा ना पहने, अंगुली वगैरह कट जाने पर खून का स्पर्श खाद्य पदार्थों से ना हो, ऐसे भी ना हो, गर्मी में पसीना का स्पर्श ना हो, पसीना खाद्य वस्तुओं में ना गिरे, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये है द्रव्य शुद्धि। इसके बाद और ये सबसे पहली और दूसरी बात जो इसमें नहीं लिखी द्रव्य शुद्धि, जो इसी कर्ता शुद्धि में, कि मौन का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही नहीं करते। और किचन, हाँ भाई, रसोई हो तो सही हो, है रसोई की जगह किचन है तो किचकिच होनी है, तो इसलिए सबसे और दूसरी बात, किचन को रसोई शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, चौका भी बोल सकते हैं। दूसरा क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि क्या है? आहार का स्थान स्वच्छ व, सुनो जल्दी ये खत्म करना अपन को जल्दी। क्षेत्र शुद्धि, आहार का स्थान स्वच्छ व शुद्ध होना क्षेत्र शुद्धि है। ये क्षेत्र मतलब चौका का स्थान, ठीक है, तो वो शुद्ध होना चाहिए। तो कैसे शुद्धि होगी? तो चार प्रकार की है, प्रकाश शुद्धि, वायु शुद्धि, स्थान शुद्धि, दुर्गंधता से रहित। रसोई में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा, वायु शुद्धि में रसोई में शुद्ध हवा का आवागमन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। स्थान शुद्धि, आवागमन का सार्वजनिक स्थान ना हो चौका,
मतलब वहीं से आ जा रहे हो चप्पल जूता पहन के भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक साइड होना चाहिए। ये आजकल पैटर्न बन रहा है कि किचन को, एक तो ओपन किचन का सिस्टम बन रहा है, छोटी सी किचन कर देंगे और बाहर हॉल कर देंगे और वो खुला रहेगा, एक पट्टी रहेगी बीच में बस। ये तो बिल्कुल भी वास्तु के हिसाब से और चौकी की शुद्धि के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेट होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए कि वहाँ चौके के लिए जब जाएं तभी जाएं, अलग से नहीं। स्थान शुद्धि बता दिया, स्थान ऐसा होना चाहिए दुर्गंधता से रहित, हिंसा आदि कार्य ना होता हो, आसपास मांस मछली की दुकान ना हो, कतलखाना ना हो, बदबू ना हो, ठीक है। इस प्रकार से काल शुद्धि, तीसरा काल शुद्धि में योग्य समय का होना, चौका किस समय पर लगना चाहिए, भोजन किस समय पर हो, तो ग्रहण काल की शुद्धि, शोक काल की शुद्धि, रात्रि काल की शुद्धि, प्रभावना काल की। तो ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण काल ना हो, शोक काल में शोक दुख मरण का काल ना हो, किसी के मतलब आपके घर में शोक आदि ना हो, शोक के समय पे आप चौका नहीं लगा सकते, किसी के दुख है यदि तो भी नहीं, मरण का समय तो नहीं। रात्रि काल, रात्रि का समय ना हो, रात्रि में लगेगा ही नहीं चौका। और प्रभावना काल मतलब कहीं पर धर्म प्रभावना का कार्य हो रहा हो, उत्सव चल रहा हो, तो उस समय भी आपका चौका नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि उसी समय तो महाराज जी को चौका लगाना है, तो यही होता है कि अब ये होता है ना कि पांच लोग लगा रहे लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हम वो तो चौके ही लगे हैं और प्रोग्राम में कोई नहीं है, तो कुछ लोग उसकी ड्यूटी पूरी कीजिए, बाकी सब प्रोग्राम में जो सार्वजनिक सामूहिक रूप से है वो, ऐसा करना किया जाता है। फिर अंत में भाव शुद्धि, तो भाव शुद्धि में क्या है, परिणामों की शुद्धि होना ये महत्वपूर्ण है, परिणामों की शुद्धि होना महत्वपूर्ण है, इसके बिना फिर फल नहीं मिलेगा। तो क्या है, वात्सल्य भाव, करुणा भाव, विनय भाव और दान भाव। तो वात्सल्य भाव, पात्र और धर्म के प्रति वात्सल्य होना चाहिए कि ये अपना है, इसी को कहते हैं वात्सल्य भाव। सुधा सागर जी महाराज जी ने यही पंचकल्याण में बहुत ऐसी यूनिक बात है बोली थी कि आप भगवान को प्रतिष्ठा करके और यहाँ पर रख विराजमान कर दिया और कहोगे हो गए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा काम, ये इनकी भक्ति तभी हो पाएगी जब आप कहेंगे कि भगवान मेरे हैं, अपन श्रावक है बोल सकते हैं, और ऐसे होगी तभी वो भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ऐसे वात्सल्य भाव, महाराज मेरे हैं, तब जाकर के चौका लगेगा तो भक्ति बनेगी। फिर करुणा भाव, सब जीवों पर एवं पात्रों पर दया का भाव भी होना चाहिए। और विनय भाव, पात्र के प्रति विनय के भाव होना चाहिए, है ना। और दान भाव, कसाय रहित हर्ष सहित वस्तु को हितकारी भाव से देना, ये दान भाव है। ये दान भाव को ध्यान रखिए, नहीं तो ये आ जाता है सो दान में अपन लोग गिनने लगते हैं, गड़बड़ हो जाता है। दान भाव ये भाव शुद्धि का पार्ट है, मतलब कसाय रहित परिणामों के साथ दान देना, ये दान भाव। इस प्रकार से ये अपना चौका शुद्धि का पाठ यहीं पर पूरा हो गया। इसके प्रश्नोत्तर आप लोग देख लीजिएगा और आज कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं अपन लोग, ठीक है। चलिए जिनवाणी सिद्धि कर लें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी। नौ बार कर्म पढ़ लें।